किस तरह से नए कस्टमर तक पहुंचा जा सकता है? थैंक यू पीयूष। सत्यपाल जी ने, शाह आलम साहब ने, काफी लोगों ने बताया कि सारी बात आके ऑर्डर्स पे रुक जाती है कि हम ऑर्डर्स कहाँ पे लेके आए। इस मंदी के दौर में भी, जैसे कि मिस्टर अजय गुप्ता जी थोड़ा सा वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं मिस्टर सत्यपाल के साथ, उन्होंने कहा कि उनके अभी ऑर्डर्स हैं, हाँ आगे दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्ली बिकॉज ही इज मोर गियर्ड अप। इनके पास जो लिस्ट है, इन्होंने जो अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था, वो उनकी और अच्छी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट टुडे दैट वी आर फेसिंग इन दिस रिसेशन टाइम, कि कैसे हम और नए मार्केट को हम टैप करें जहां की एक बायर मौजूद है जो आपके प्रोडक्ट के लिए तैयार है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मीडियम्स बन गए, हम कन्वेंशनल देखते आ रहे हैं, ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली में जाते हैं, किसी बाइंग एजेंसी से मिलते हैं। इंटरनेट एक ऐसा जरिया आ चुका है कि आप सीधे यहां बैठ करके, आप में से कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इंटरनेट को यूज किया है, उससे बायर्स आपने जनरेट किए हैं और अच्छे खासे बिजनेसेस किए हैं। तो इस मंदी के दौर में जहां कॉस्ट कटिंग की इतनी बात हो रही है कि कैसे कम से कम कॉस्ट में फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे इंटरनेट कहते हैं, उसके जरिए हम नए बायर्स को ऑब्टेन करें। एक गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम होती है, वो अपनी जगह प्रॉब्लम है, एसबीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, सीजीएम साहब यहां मौजूद थे, सोल्यूशन निकल आया। गवर्नमेंट पीयूष विल टेक इनफ केयर कि इस चैनल इतनी बार चैनल पे दिखाए कि जो डिसीजन मेकर है वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को देखें। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम खुद से टेक केयर कर सकते हैं, क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उन एस्पेक्ट्स को देखें, कैसे हम नया मार्केट ढूंढें, कैसे कॉस्ट कट करें। ये सारे प्रॉब्लम जो सत्यपाल जी ने कहा ये हैं, गवर्नमेंट के एंड सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे पास चीजें हैं सबसे पहले तो हम उनका टेक केयर करके कैसे नए मार्केट, कैसे नए एवेन्यूज। जैसे कि हेड ऑफ द लेबर, इन्होंने बताया कि ये जो कारीगर हैं ये सब रिक्शा चलाने लगे। आज हम कॉस्ट कम्पीट कर रहे हैं चाइना को, ब्रास से स्टील पे चले गए, कल वो स्टील से किसी और प्रोडक्ट पे चले गए, इसका कोई अंत नहीं है। हमको इसी ब्रास को इसके जो पीक है वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रास यहीं पे निकलेगा। वो स्टील के महारत है, कोई वुड का है, कोई अलग अलग प्रोडक्ट का, ब्रास नगरी यही है। हमको इसको कैसे नए बायर ढूंढ करके इस इंडस्ट्री को चलाते रहना है। सरकार का कोई भी आलाधिकारी इस इंडस्ट्री की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आज इमर्जिंग बिजनेस फोरम के इस प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश कर रहे हैं सरकार के उन नुमाइंदों तक इस बात को पहुंचाने का कि आज इस इंडस्ट्री को आपकी जरूरत है। अगर आज आपने इसे सहारा दिया तो कल ये इंडस्ट्री इस देश को विदेशी मुद्रा के भंडार से भर देगी।